इंटरनेट किसी हाईवे की तरह है जहां दिन रात तेज गति से जानकारियां आती रहती हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हमें अलग अलग वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचाता है। यहां सूचनाएं और जानकारियां कभी नहीं थमती और हर व्यक्ति इन्हें तेजी से पढ़ता देखता जाता है। लेकिन जैसे आप सड़कों पर ट्रैफिक साइन देखते हैं, वैसे ही इंटरनेट नामक इस हाईवे पर भी आपको कुछ वार्निंग साइंस देखने जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा गलत जानकारियों के बारे में सतर्क रहने वाले 3 वार्निंग साइंस। जब भी आप इन्हें देखें तो तुरंत रुक जाएं और जो आर्टिकल या पोस्ट पढ़ रहे हैं उसे शेयर करने से पहले उसे वेरीफाई करें। पहला वार्निंग साइन वो होगा जब कोई जानकारी पढ़ने के बाद आपको झटका सा लगे, जैसे कि हैरानी, नफरत या गुस्सा। ध्यान रहे कि अगर कोई पोस्ट आपके मन में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पैदा करती है तो उसे आपका ध्यान खींचने के लिए लिखा गया है और आपको उसे शेयर करने के लिए उकसाया जा रहा है। दूसरा वार्निंग साइन वो होगा जब आप कुछ ऐसा पढ़ें या देखें जो आपकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा लगे। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि एक प्रकार की डाइट से वजन कम हो सकता है। अगर आप इस डाइट के फायदे जानने के लिए सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ वही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपकी सोच से मेल खाते हैं। अब तीसरा वार्निंग साइन, जब आपने एक वायरल पोस्ट देखा है जिसमें एक असाधारण दावा किया जा रहा है और यह पोस्ट किसी सस्पिशियस या गुमनाम अकाउंट से है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर गलत जानकारियां फैलाते हैं। जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी तब ट्विटर प्लेटफॉर्म जो अब एक्स कहलाया जाता है उस पर उनके पिता के सिंह के नाम से एक अकाउंट सामने आया जिसमें उनके बेटे की मौत की जांच CBI से कराने की मांग की गई। ये ट्वीट्स एक फर्जी अकाउंट से किए गए थे और लोगों को यही लगा कि वह सुशांत के पिता ही हैं। यह अकाउंट बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम के नाम से भी चलाया गया था। यह अकाउंट वेरीफाइड नहीं था, इसके बावजूद कई मीडिया चैनलों ने इसे खबर बनाकर चला दिया। जब सुशांत के परिवार ने ट्विटर के इस अकाउंट को फर्जी बताया जो जब ट्विटर था, तब जाकर सच्चाई का खुलासा हुआ। किसी भी अकाउंट की असलियत जानने के लिए आपको कुछ बातों की जांच करनी चाहिए। क्या यह अकाउंट वेरीफाइड है? क्या इसमें एक प्रोफाइल फोटो है और उस व्यक्ति ने अपना विवरण लिखा है डिस्क्रिप्शन? क्या वह व्यक्ति उन मुद्दों का एक्सपर्ट है जिनके बारे में वो पोस्ट करता है? अगर आपको इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो ये भी एक वार्निंग साइन होगा।